subscribe and click the bell icon for television updates. आप लोग अपना अपना रिएक्शन बताइए कि जब आपने ट्रेलर देखा तो आप लोगों का रिएक्शन क्या रहा? कैसा तुम्हारा रिएक्शन देखा? काफ़ी फनी था एक्चुअली. आई वॉच्ड इट द फर्स्ट टाइम एंड मैं ऐसे ऐसे देख रही थी आंखें फाड़ फाड़ के एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड कैन वी वॉच इट अगेन. एंड शीतल सर आवर प्रोड्यूसर वाज लाइक यस प्लीज़ वी कैन वॉच इट अगेन. बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मेरा पहला ट्रेलर है. एंड आई थिंक जितनी ईमानदारी के साथ हमने काम किया है वो नज़र आता है, यू नो, ट्रेलर देख के, इफ़ आई मे से सो माई सेल्फ. ओह, मेरा रिएक्शन एक्चुअली जब हम एक फिल्म करते हैं तो एक ज़िंदगी जीते हैं. सो और वो ज़िंदगी को एक्सटर्नली देखना इज़ अ डिफरेंट फीलिंग एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी स्पेशल. एंड बाहर से देख के मुझे कभी कुछ अपना अच्छा नहीं लगता. आई कांट वॉच माई सेल्फ. और मैं जब थैंक गॉड शशांत सर ने को कभी मुझे मॉनिटर के सामने आने नहीं दिया. सो बट व्हेन आई सॉ द ट्रेलर आई लव्ड इट एंड आई थिंक इट्स डूइंग समथिंग, इट्स टचिंग यू. सो आई होप सबका ही रिएक्शन हो. टेलीविज़न और आई थिंक हार्डवर्क इज़ एवरीवेयर, मेहनत हर जगह करनी पड़ती है. बट आई जस्ट फील मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं था इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव लिबर्टीज़ दैट आई वांट एंड क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट. यहाँ पे एक जब फिल्म बनती है उसका एक प्रोसेस होता है, आपको वक्त मिलता है अपने कैरेक्टर पे काम करने का, उसको अपने अंदर ढूंढने का, एंड देन टू डू जस्टिस टू द लाइफ यू आर प्लेइंग बिकॉज इट्स लाइफ एंड ऑफ द डे. सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम नीरज सर एंड शशांत सर. सो आई एम रियली रियली थैंकफुल. यू नो आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर शरद एंड भूमिका मैम एंड किशोर सर बिकॉज दे आर सीनियर्स एंड दे हैव सो मच एक्सपीरियंस. एंड ऑनेस्टली जब शूटिंग के दौरान मैं अपनी धुन में था, टू बी ऑनेस्ट, एंड सो पीपल फेल्ट लाइक पीपल एंड आई सॉ देम एज पीपल. थैंकफुली आई कुड सी देम एज पीपल हु आई मीट एंड इंटरैक्ट एंड हैव दोज कॉन्फ्लिक्ट्स विद. सो ऑफकोर्स यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज पीपल. They have all the experience in the world. So, and it's been a beautiful journey. Yeah. बहुत बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस था. आई थिंक इनिशियली जब मैं शूट शुरू होने के पहले बहुत इंटिमिडेशन सा फील कर रही थी कि यू नो इतने बड़े एक्टर्स के साथ, एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और मैं उनको उनके साथ एक्टिंग कर पाऊँगी, क्या मैं अपने कैरेक्टर को जस्टिस दे पाऊँगी, क्या नीरज सर शशांत सर को प्राउड कर पाऊँगी, all of these things, you know. but I think working with everyone and because they're also senior and so experienced, they were really a source of guidance, you know, for all of us, and they really helped and they really encouraged us to do the best that we could do, Shashant sir especially. And yeah, bahut hi khoobsurat journey tha. नहीं डांट नहीं, मैं किसको डांटते हैं? नहीं ये नहीं डांटते हैं, ये डांटने वालों में से नहीं डांटते. एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था कि वो किशोर जी को एक चिप्स का पैकेट मिलता है और बहुत इंटेंस सीन था. यू नो ये गाड़ी में बैठा है और ये पीछे है, शरद साथ में है और बहुत इंटेंस सीन है और ये जैसे उन्होंने कहा कि वो अपने एक जोन में जाते, सब जोन में थे और बहुत सीरियस शॉट चल रहा है. सडनली यू हियर द क्रैकलिंग साउंड ऑफ चिप्स इन अ पर्टिकुलर वैन, वी ऑल बर्स्ट आउट लाफिंग एंड ही सिंग सर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा ये बिकॉज द सीन इज कंटिन्यूस, यू नो. सो दैट इंसिडेंट आई वुड से डार तो नहीं बट दैट वॉज समथिंग विच लगे इस इंसिडेंट को लेकर. अरे मैम लाइक सर जैसे बता रहे बहुत इंटेंस था, बहुत इंटेंस. इट्स लाइक मैं किशोर सर को देख रहा हूँ और मैं उनसे भीख मांग रहा हूँ कि मतलब किसी तरह जस्ट हेल्प मी आउट हियर. और मैं वो है मेरी आंखों में और मैं उनकी तरह देख रहा हूँ और वो चिप्स खा रहे हैं. मैं उनसे मर रहा हूँ एंड ऐसे देख रहा हूँ और सर क्या कह रहे हैं, खाएगा? एंड आई जस्ट कुडंट, आई लाफ एंड या यू कांट हेल्प इन सम सिचुएशंस, नो यू जस्ट लाफ आउट. सो इट्स अ कैची नेम, इट सम्स अप द फिल्म. जो स्पिरिट है फिल्म की उसको कैप्चर करता है, ईजी टू रिकॉल, रेलिवेंट है. बस यही सब चीज़ें हम ढूंढते हैं एक टाइटल में, इट टिक्स ऑल द बॉक्सेस. अब पहली पिक्चर थी तो आई थिंक एवरी डे इज़ लाइक क्वाइट, आई रिमेंबर इट क्वाइट वेल. सबसे स्पेशल मेमोरी सर जी
वही जब मैं रो रो के पागल हो गई थी और सर बहुत स्वीटली आके मुझे कहे थे कि नेहा बहुत अच्छा काम किया है लेकिन अब 4-5 बार और करना है क्योंकि दिस इज सिनेमा. सो आई थिंक ये मैं हर जो आगे मैं जितनी भी फिल्म्स करूँगी मैं वो हमेशा याद रखूँगी कि जो भी मैंने करना है बार बार करना है. बहुत सारी मेमोरीज हैं यार. आई थिंक एवरी सिंगल डे वॉज रियली रियली स्पेशल. आई कॉन्ट रियली चूज वन. पर ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था. जैसे मैं कह रहा था अपनी धुन में था और एक सीन था और बहुत लंबा सीन था. सो उसका टेक हुआ और एंड आई फेल्ट व्हाट आई हैड टू फील. एंड यू नो एक खुशी होती है जब एक को रिलीज मिलता है सीन में. सो वो सीन ख़त्म हुआ एंड शशांक सर केम टू मी टुक मी असाइड एंड ही वाज लाइक बहुत अच्छा किया है एक बार फिर से सेम करना है तुझे. मैंने कहा सर क्यों. ही वाज लाइक वो भूमिका मैम के साथ सीन था और उनकी बस वो नथ निकल गई थी सीन में. आई थिंक कुछ ऐसा हुआ था. सो या दिस वन ऑफ दोज़ बट देयर सो मेनी. Yeah, I just बहुत ही honest film बनाई है. So I just want the audience to go and watch in the theaters 22nd April, and yeah, waiting for that very eagerly.